गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग फिर से एक बार अपने चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के साथ उपस्थित है। डाइवर्सिटी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग कई सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त की, कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और लास्ट में हम लोगों ने रीजनल डाइवर्सिटीज़, कल के क्लास में जो है रीजनल डाइवर्सिटीज़ की बात की थी, ठीक है, जिसमें क्षेत्र के हिसाब से जो है अलग अलग तरह के फूड है, स्टेपल फूड है, और जो है भोजन के बारे में, फूड के बारे में, हम लोग क्रॉप्स के बारे में बात की थी, ठीक है। अब जो हमारा जो टर्म है कि हम लोग अब बात करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि किन किन चीज़ों में डाइवर्सिटी है, क्या उसके जो है उद्देश्य क्या है, या क्या उससे मतलब फ़ायदा है ना। डाइवर्सिटी होना जो है हमारे लिए फ़ायदे की बात है, और ये ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमने बात की। अब जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, एक बार हम लोग देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट्स क्या है, क्या प्रभाव है डाइवर्सिटी का। हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि डाइवर्सिटी ना हो तो आदमी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, है ना, एक समाज का विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो ज़रूरी चीज़ है। हम लोग देखते हैं एक बार इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। Diversity enriches our lives. Just imagine how dull our life would be if there was only one type of food to eat. अच्छा, इसकी बात हम लोगों ने कल के क्लास में की थी कि अगर एक ही तरह का भोजन करने को दिया जाए, एक ही तरह के कपड़े पहनने को दिया जाए, रोज़ एक ही जगह पे जाना पड़े, तो थोड़ा सा आदमी जो है बोरिंग फील करता है, बोर होता है, और उसको लगेगा कि नीरस है हमारी ज़िंदगी। तो इसके लिए डाइवर्सिटी ज़रूरी है। इसकी चर्चा हमने कल के क्लास में की थी, उसको आज मैं रिपीट थोड़ा सा कर रहा हूँ। इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, तो बहुत सारे फ़ायदे इसके हैं। डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड कस्टम मेक इंडिया एन अमेजिंग प्लेस, यह भी बात हो गई थी कल के क्लास में हम लोगों की, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए जो है डाइवर्सिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। नो रीजन ऑफ इंडिया इज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंट, इच रीजन हैड टू डिपेंड्स ऑन इच अदर, एक दूसरे राज्य के लोग एक दूसरे पर निर्भर है अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। और इट कैन ईजली सिक्योर सप्लाई फ्रॉम द अदर स्टेट्स, अगर कोई मुसीबत में है, किसी आपदा में फंस गया कोई राज्य, तो दूसरे राज्य के लोग जो है उसकी चीज़ों से, वस्तुओं से, पैसों से, बहुत सारी चीज़ों से, जो भी चीज़ है उन चीज़ से एक मदद करते हैं। तो यह चेन बना हुआ है और यह ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर किसी की मदद कोई नहीं कर पाएगा। तो यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे लाइफ को, डाइवर्सिटी जो हमारे लाइफ को आसान और आरामदायक बनाता है। यह चर्चा हम लोगों ने कल के क्लास में किया था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात की थी, है ना। हम लोगों ने यह भी बात की थी, हमारे प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्क्राइब किया था इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सब एक है, वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। कई सारी चीज़ों से में विविधता होने के बावजूद, डाइवर्सिटी, ड्रेसिंग, फूड, फिजिकल फीचर, ये सारी चीज़ों के, लैंग्वेजेस के बावजूद भी वी ऑल आर इंडियन, ऐसा जो है डिस्क्राइब किया था भारत के बारे में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन यूनिटी, आवर कंट्री इज बाउंड एज ए सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स कॉमन कल्चर, देयर बाई प्रिजर्विंग द नेशनल आइडेंटिटी एज हेरिटेज, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया था। लद्दाख एंड केरला के बारे में थोड़ा सा है, हम लोग जान लेते हैं। लद्दाख एंड केरला आर लोकेटेड एट टू अपोजिट इंड्स ऑफ इंडिया, दो अपोजिट साइड पे बसे हुए दो जगह है,
लद्दाख और केरला, देयर आर एज डाइवर्स इन देयर कल्चर कस्टम्स एंड लाइफ स्टाइल एज दे आर इन देयर फिजिकल फीचर्स। सारी चीज़ें जो है इनकी, चाहे वो कल्चर हो, कस्टम हो या लाइफ स्टाइल हो, सारी चीज़ें इवन फिजिकल फीचर्स दे आर डिफरेंट फ्राम इच अदर। लद्दाख इज सिचुएट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ये पूर्वी हिस्सा है लद्दाख, है ना। इट्स बाउंडेड बाई टू माइटी माउंटेन, काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, काराकोरम माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालय इन द साउथ। इट इज अ माउंटेन डेजर्ट, हेंस स्कार्स वेजिटेशन इज सीन हियर, सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम। लद्दाख जो है ये ऐसा क्षेत्र है, कश्मीर का ये हिस्सा है, जो अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर वेन कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो कश्मीर का जो हिस्सा है लद्दाख, वह जिसमें सालों भर जो है लगभग बर्फ से ढका हुआ रहता है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड प्लेस है भारत का, नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर, वाट एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल इन द एरिया कम्स फ्रॉम द स्नो मेल्टिंग फ्रॉम द ग्लेशियर। अब पानी वर्षा वहाँ पे होती नहीं है, अगर पानी थोड़ा सा अगर मिलता भी है तो जब बर्फ पिघलता है तो उसके जो पानी बनता है मेल्टिंग के दौरान, जो है स्नो मेल्टिंग जब होता है तो जो पानी का स्रोत आता है ग्लेशियर, जब पिघलता है, पिघलने के बाद एक्सट्रीम हीट के कारण ग्लेशियर पिघलता है और तब जो है लिटिल वाटर इज अवेलेबल, वही पानी जो है पिघलने के बाद जो पानी के रूप में आता है बर्फ, वही जो है लोगों को अवेलेबल होता है। बींग अ डेजर्ट डज नॉट मीन डैट लद्दाख इज एन अबैंडन्ड एरिया, इट अर्लियर इन अर्लियर टाइम्स इट वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट ट्रेड रूट बिटवीन पंजाब एंड सेंट्रल एशिया। एक समय में यह बेहतरीन ट्रेड रूट, व्यापार का केंद्र था, इस रास्ते से व्यापार किया जाता था, ट्रेड रूट था ये, जब हम लोग जब पुराने समय में जो है सिर्फ वो वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये एक बेहतरीन ट्रेड रूट था पंजाब और सेंट्रल एशिया के बीच का। फॉर सेंचुरीज ट्रेडर्स कैरीड टेक्सटाइल्स स्पाइसेस रॉ सिल्क कारपेट्स एक्सेट्रा ऑन पोनीज फ्रॉम अमृतसर टू सेंट्रल एशिया, टाउन्स ऑफ यरकंड एंड खोटान। लेह वाज द मिडवे स्टॉप ऑन दिस लॉन्ग रूट, मिडवे स्टॉप में बीच में जो एक स्टॉप बनाया गया लेह, है ना। ठीक है, पीपल ऑफ लद्दाख आर जनरली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ के लोग जो है भारत के अन्य हिस्से क्षेत्र के लोगों से थोड़े अलग होते हैं। देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग स्टाइल इज मोर लाइक दोज ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया देन ऑफ इंडिया, मेनली बिकॉज ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज दैट टुक प्लेस बिटवीन द ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ लद्दाखीज एंड तिब्बतंस। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू तिब्बत थ्रू लद्दाख प्रूव द कल्चर एक्सचेंज बिटवीन दैम। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज मिनी तिब्बत, है भारत का हिस्सा है यह लद्दाख, जिसको मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। कल्चर जो है कुछ इसका प्रभावित है, तिब्बत के कल्चर से प्रभावित है, है ना। ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल जो है इसका तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों जैसा है, इस क्षेत्र के लोगों का। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू तिब्बत थ्रू लद्दाख, लद्दाख से तिब्बत तक जो है बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है या जो है अपने जो कल्चर एक्सचेंज करते हैं, प्रूफ द कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन देम जो है कल्चरल एक्सचेंज की वजह से जो है लद्दाख को मिनी तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। पीपल हियर रियर शिप, यहाँ पे लोग भेड़ की खेती करते हैं, भेड़ पालते हैं, जैसा कि कश्मीर में हम लोग जानते हैं कश्मीर में जो है भेड़ों को पाला जाता है। कश्मीर का ही भूभाग या क्षेत्र है ना, बर्फीला क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, जहाँ बर्फ जमा रहता है लगभग सालों भर। और दिस शिप रेयर एज दे प्रोड्यूस प्राइज्ड पश्मीना ऊल, ऊल की एक जो बेहतरीन क्वालिटी है पश्मीना जिसको कहा जाता है, कॉस्टली है ये, वह जो है प्राप्त किया जाता है शिप से।
इसके लिए ये लोग शिप को पालते हैं और उससे जो है उसके रोए से जो है पश्मीना ऊल तैयार किया जाता है। दिस ऊल मेक्स इट्स वे टू श्रीनगर थ्रू ले वेयर स्किल्ड आर्टिजन्स वीव इन टू शॉल्स, और इस ऊन का इस्तेमाल करके जो है शॉल्स का निर्माण किया जाता है जो कॉस्टली होता है और काफ़ी जो है सो फेमस है पश्मीना शॉल, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, शॉल्स विच फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इट ऑल्सो फेमस इन एब्रोड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पश्मीना शॉल्स। और मुख्य बात है कि फेमस है और यह जैसा कि मैं जानता हूँ कि कॉस्टली भी होता है, काफ़ी कीमत होती है इसकी, है ना, आम लोगों के लिए नहीं है क्योंकि पहुँच से बाहर होता है, ठीक है, उसकी कीमत इतनी होती है। द पीपुल ऑफ लद्दाख मेनली ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेजिटेशन इज वेरी स्कार्स, क्योंकि यहाँ पे खेती ना के बराबर होती है तो यहाँ के लोग जो मेनली जो है अपने भोजन के लिए अपने फूड के लिए जो है वो मीट और मिल्क प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउस एंड याक काउस, हर परिवार में जो है जानवरों को पाला जाता है, कैटल रियरिंग करते हैं ये ताकि उसके उससे जो है से अपने भोजन के चीज़ों को प्राप्त कर सके, मिल्क प्रोडक्ट के रूप में जो है भोजन का इस्तेमाल करते हैं, और लोग यहाँ के लोग मांस भी खाते हैं यानी नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। अभी हम लोगों ने लद्दाख और केरला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, केरला स्टेट की जानकारी जो है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, इसमें केस स्टडी के रूप में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो हम लोगों ने लद्दाख के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई कि यह जो है पहाड़ी क्षेत्र और जिसमें बर्फ़ जमा रहता है ऑलमोस्ट कई महीनों तक जो है बर्फ़ जमा रहता है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ऑल्सो लो वेजिटेशन, है ना, तो द पीपल ऑफ लद्दाख रियर कैटल लाइक शिप गोट्स एंड याक काउस, जिसको डोस जोस कहा जाता है, याक काउस इसको पालते हैं और इसी के लिए इससे जो है खासकर भोजन की सामग्री प्राप्त करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ शिप रियरिंग करते हैं यहाँ के लोग, जो जिससे महंगे शॉल तैयार किए जाते हैं जिसको पश्मीना शॉल कहा जाता है, महंगे शॉल तैयार किए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब हम लोग केरला की बात करेंगे, एज वी नो केरला इज स्टेट लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का साउथ वेस्ट हिस्सा है केरला, जो वेस्टर्न घाट, इट इज़ बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। केरला इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, स्पाइसेस के लिए जो है केरला अत्यंत ही फेमस है, जिसमें क्लोव्स कैडमम्स बड़े पैमाने पे जो है इलायची और लौंग की खेती की जाती है। सिंस एंशिएंट टाइम ड्यू टू इट्स फ्लोरिशिंग स्पाइस ट्रेड केरला हैज़ बीन एन अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट फॉर द ट्रेडर्स ग्रीस, रोम, चाइना एंड अरेबिया वेयर द कंट्रीज विच इंजॉय ट्रेड लिंक्स विद केरला। स्पाइसिस ड्यू टू ग्रोइंग लॉट ऑफ स्पाइसिस, अर्लियर दिस वॉज अ ट्रेड सेंटर, अ मेन ट्रेड सेंटर, and they trade with many countries like Rome, China, Arabia, Greece, etc. Swiss and the Arab traders were the first ones to come here. It is believed that Saint Thomas the Apostle of Christ came here nearly 2000 years ago and brought Christianity to India. ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि Saint Thomas जो थे वो क्राइस्ट के
मैसेंजर कह सकते हैं, मैसेंजर माने जाते थे जो 2000 वर्ष पहले यहाँ पे आए और वहीं से जो है क्रिश्चियन ईसाई धर्म की शुरुआत जो है भारत में हुई, खासकर केरला में जो है ईसाई धर्म की शुरुआत की गई 2000 वर्ष पहले सेंट थॉमस के द्वारा। ठीक है, द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड हेयर इन दिस सी। पुर्तगीज जो वास्को डी गामा जो सेलर थे, जिन्होंने भारत और यूरोप के बीच सी रूट को डिस्कवर किया, समुद्री रास्ता डिस्कवर किया फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, है ना। अराउंड 700 ईयर्स अगो बेचुला विजिटेड केरला एंड रोट ए ट्रेवलर इन विच ही गेव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट मुस्लिम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। केरला एक ट्रैवलर थे जिन्होंने केरला का विजिट किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी ट्रेवलर इन विच, उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने जो है मुस्लिम के बारे में बहुत सारी की भारत पार्ट्स ऑफ केरला में रह रहे मुस्लिमों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। थस द कल्चर ऑफ केरला इज डाइवर्स ड्यू टू वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, ऐतिहासिक कारणों से जो है उसका जो कल्चर है वो डाइवर्स कल्चर है, एक कल्चर नहीं है, सेम कल्चर नहीं है। टुडे पीपल इन केरला प्रैक्टिस वेरियस रिलीजन्स, कई धर्म के लोग भी यहाँ पे रहते हैं जिसमें आपका जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़्म और बुद्धिज्म, तो इन सारे धर्मों के लोग केरला में रहते हैं। द पीपल ऑफ केरला आर मेनी राइस ईटर्स, केरला के लोगों का मुख्य भोजन चावल होता है, नारियल की खेती, नारियल रबर आदि की खेती बड़े पैमाने पर होती है और सबसे ज़्यादा जो फेमस है उसकी बात हमने स्टार्टिंग में की कि स्पाइसेस के लिए फेमस है, जिससे स्पाइसेस की वजह से जो है कई देशों से इनका व्यापार संबंध था, लोग जो है व्यापार करते थे स्पाइसेस का, दूसरे देशों में मसाले को भेजा जाता था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केरला के बारे में कि इट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है पूरे देश में हमारे देश में सबसे ज़्यादा केरला का है। आई थिंक जो पहले थोड़ा कम था 97-98% के आसपास था, धीरे धीरे अब ऐसा सर्वे किया गया है कि 100% लोग जो है साक्षर है, लिटरेट है, साक्षर है, वहाँ के 100% पीपल आर लिटरेट। ठीक है, साक्षर यानी लिटरेट यानी साक्षर, जिसका मतलब होता है कम से कम जिनको अक्षर का ज्ञान हो ऐसे लोगों को साक्षर कहा जाता है। तो 100% लोग जो है यहाँ के लिटरेट है, और ये पूरे भारत देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ के 100% लोग साक्षर हो। ठीक है, धीरे धीरे स्थिति बदलती जा रही है, पहले जो है लिटरेसी रेट बहुत कम था भारत के विभिन्न राज्यों का, और धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, है ना, लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा है, बट केरला जो है उन सब में सबसे आगे है और वो पहले पायदान पे है, है ना, फर्स्ट नंबर पे है, जिसकी लिटरेसी रेट सर्वे के हिसाब से 100% मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए हमारा ये जो चैप्टर था डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग आवर डाइवर्सिटी, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर बुक इन सिविक्स। सिविक्स का ये पहला चैप्टर था, तीन पार्ट आपका है बुक का, जिसमें आपकी जो स्टार्टिंग है उसमें ज्योग्राफी से और फिर हिस्ट्री, उसके बाद सिविक्स। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा था बट सिविक्स नहीं पढ़ा था, तो अब हम लोगों ने आज हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक चैप्टर सिविक्स का भी समाप्त कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब हम लोग जो है इसको कुछ ऑब्जेक्टिव देख लें आज के क्लास में, 2 मिनट है हमारे पास, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है डैट मीन्स बीइंग डाइवर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दैट मीन्स बीइंग डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग करता है, भिन्न करता है, वह है डाइवर्सिटी। पहला आपका है डाइवर्सिटी, T
पिक द करेक्ट ऑप्शन है, फोर ऑप्शंस आर देयर एंड द राइट आंसर इज, द राइट ऑप्शन इज डाइवर्सिटी. सेकंड वन इज हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन द नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन द डाइवर्सिटी. थर्ड क्वेश्चन आपका है, नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन द फोर्थ, विस्कोसिटी है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, सिंप्लिसिटी है ना. नेशनल इंटीग्रेशन लाइज इन द यूनिटी, ठीक है. योर द राइट ऑप्शन इज यूनिटी, थर्ड वन इज यूनिटी. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. साउथ वेस्ट पार्ट इज, ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, लद्दाख, केरला एंड असम. नो, असम, मध्य प्रदेश, लद्दाख एंड असम आर रॉन्ग ऑप्शन, ओनली केरला इज राइट आंसर. सो योर आंसर इज केरला. कैमल फेयर इज हेल्ड एट पुष्कर, कैमल फेयर इज हेल्ड एट पुष्कर, ठीक है. आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने कर लिया. फर्स्ट का आंसर आपका डाइवर्सिटी, सेकंड का 22, थर्ड का आपका यूनिटी, फोर्थ का आपका केरला एंड फिफ्थ का पुष्कर. चलिए हम लोग अब आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं. आगे का जो है आपका ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे, फिर फर्दर देखेंगे आगे फिर पढ़ना है क्या पढ़ना है. तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू फॉर टुडे.